सड़क पर बेसुध पड़ा ये बाइकर्स गैंग है। गैंग का मतलब समझते हैं ना? हाँ जी हाँ, वही गैंग जो लोगों से आए दिन छीना छपटी करते हैं, सड़क पर आवारा गर्दी करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, राह चलते लोगों को छेड़ते हैं। वही गैंग है ये जनाब जिनकी लोगों ने पकड़कर बीच रास्ते अच्छे से सुताई कर दी है। एकदम मस्त खातिरदारी, लात घूसा लप्पड़ थप्पड़ सबसे पीट पीट कर सारी हेकड़ी निकाल दी, सारी गैंगबाजी निकाल दी। चले थे महिला से छेड़छाड़ करने, पर्स छीनने, लेकिन पकड़ा गए और भर पेट कुटा गए। दरअसल मुजफ्फरपुर में बाइकर्स गैंग का आतंक आजकल खूब चल रहा है। सरेआम महिलाओं के पर्स और मोबाइल छिनतई की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लगातार मोबाइल और पर्स की छिनतई की घटना जिले में हो रही है, जिससे सभी परेशान थे। इसी कड़ी में एक बार फिर मुजफ्फरपुर के बाइकर्स गैंग सड़कों पर अपने काम को अंजाम देने निकले। ऑटो सवार महिला से पर्स छीनने लगे, लेकिन इस बार ये छीन झपट्टा बड़ा महंगा पड़ गया। हुआ यूं कि चलती गाड़ी में ये चोर पर्स और मोबाइल छीन रहा था, इस दौरान ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, वहीं छिनतई करने वाले अपराधियों की बाइक भी पलट गई। तभी ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और अपराधियों को खदेड़ कर पकड़ लिया और फिर जमकर धून दिया और अक्कल ठिकाने लगा दिया। वहीं अब पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद बोचा थाना मौके वारदात पर पहुंचकर लोगों की भीड़ से अपराधियों को बचाया और घायल लोगों को इलाज के लिए फिलहाल मुजफ्फरपुर SKMCH भेज दिया है। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों शहर शहर अपराधियों का कहर देखने को मिल रहा है। अपराधियों के हौसले बिहार में इतने बुलंद हैं कि आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बाइकर्स गैंग का आतंक काफी दिनों से देखने को मिल रहा था, लेकिन आखिरकार ये बाइकर्स गैंग ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए और फिर कूट कूट कर इनकी अकल ठिकाने लगा दी गई। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।